हाँ तो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अपन को इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले अपन RHS ले लेते हैं। RHS क्या गिवन है, sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो इसमें तीन वैल्यूज काम आ रही है, उन तीन वैल्यूज की मैं वैल्यू लिख देता हूँ। साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√2। और साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/2। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं इसके अंदर। 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2। तो 1/√2 कितना हो जाएगा, 2। तो 1/2 प्लस 1/2, इसको अपन एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 तो 2/2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, ये किसके बराबर है, tan 30 के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, सॉरी ये क्या है, tan 3x के बराबर है, tan 3x। ठीक है, अपन को एक चीज पता है, अपन को चलो ये बताओ पहले tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो अपन 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो अपन ऐसे लिख लेंगे tan 3x is equal to tan 45 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ, वैसे तो देखो 10 से 10 कटता नहीं है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए तुम ये समझ लो कि 10 से 10 कट गया और क्या आया, 3x is equal to 45 डिग्री। बट ऐसा होता नहीं है, 10 से 10 कभी कटता नहीं है, ऐसे मत कर लेना कि भाई तुम ये जैसे 10 3x है और 10 2x है तो भाई 10 से 10 काट दो और आंसर लिख दो कि भाई 1/3/2 आंसर लिख दो कि भाई x से x कट गया, 10 से 10 कट गया, ऐसा कभी नहीं होता है। बट यहाँ पर tan 3x मतलब ये जो अंदर वाली वैल्यूज है अपन ने क्या किया है, उन दोनों को बराबर किया है, क्योंकि 10 से 10 तो बराबर है, तो 3x को किसके बराबर किया है, 45 डिग्री के बराबर किया है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। और क्वेश्चन में अपन से क्या पूछी थी, x की वैल्यू पूछी थी। तो देखो इसमें अपन ने क्या किया, पहले RHS को सॉल्व किया, RHS को सॉल्व किया तो अपना आंसर क्या आया, 1। फिर अपन ने ये देखा कि 1 किस पे होता है, 1 किस पे होता है, tan 45 डिग्री पे। तो अपन ने क्या किया, tan 33x 1 की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, tan 45। फिर जो अंदर की वैल्यूज है मतलब जो थीटा की वैल्यूज है उन दोनों को क्या कर दिया अपने, बराबर कर दिया उससे। फिर 3 मल्टीप्लाई में था तो क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, और फिर 45/3 कितना हो गया, 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। हाँ देखो अगला एग्जांपल क्या दे रखा है, इफ sin a + b = 1 एंड cos a - b = √3/2। हियर a + b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 एंड a इज ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। अपन को ये दो इक्वेशन दे दी और दो अननोन्स पूछ लिए कि a और b की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, sin a + b इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 1। तो ठीक है, तो 1 की जगह अपन साइन 90 लिख दे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई, तो इसको अगर सपोज थीटा माने इसको फाई माने तो ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 डिग्री। ये तो अपनी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, cos a minus b is equal to under root 3/2। तो ऐसे कर लो cos a minus b equal to under root 3/2। अब एक बात बताओ, cos की वैल्यू under root 3/2 कब होती है, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो 3/√3/2 की जगह अपन cos 30 लिख सकते हैं, तो चलो लिख देते हैं cos a minus b √3/2 की जगह क्या लिखेंगे अपन, cos 30 डिग्री। अब ये अंदर की वैल्यूज अपन बराबर कर देते हैं, a - b = 30 डिग्री। ये एक उनकी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है,
इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। तो देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरी की इक्वेशन क्या है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इनको अपन सबट्रैक्ट कर दे, तो देखो ए से ए तो कट जाएगा जीरो, अब देखो बी माइनस माइनस बी हो जाएगा और 90 में से 30 गए तो 60, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब अपन को a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन इस इक्वेशन में क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करो a प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि a इज ग्रेटर देन b, तो देखो a की वैल्यू कितनी है 60 और b की वैल्यू क्या है 30, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, मतलब ये अपन ने क्वेश्चन जो किया है वो सही है। और इसने क्या बोला a plus b is less than 90, तो a plus b करो less than equal to 90, तो 60 plus 30 कितना हो गया 90, a plus b की वैल्यू क्या है 90, तो वो 90 के बराबर आ गई, तो मतलब अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है। हाँ तो देखो ये लास्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अपन को क्वेश्चन गिवन है अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या यूज आ रहा है, साइन 30, तो मैं साइन 30 की वैल्यू बता देता हूँ एक बार, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, फिर क्या यूज आ रहा है टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, फिर आ रहा है कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, फिर आ रहा है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, फिर है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी √1/2, cos 60 की वैल्यू होगी, फिर cot 45 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को वो टेबल तो याद ही होनी चाहिए, वो टेबल याद होगी तभी अपन इस क्वेश्चन को आगे बढ़ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है उसने, sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, फिर क्या है tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस का, फिर माइनस का साइन है तो अपन ने माइनस का साइन लगा दिया, फिर क्या है cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 2/√3, फिर उसने अपॉन का साइन लगाया अपन ने भी लगा दिया, फिर उसने बोला sec 30 डिग्री, sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3, तो अपन ने भी 2/√3 लिख दिया। ठीक है, फिर उसने प्लस का साइन लगाया अपन ने भी लगा दिया, उसने cos 60 डिग्री लिखा अपन ने cos 60 की वैल्यू लिख दी 1/2, फिर उसने माइनस का साइन लगाया अपन ने भी माइनस का साइन लगा दिया, उसने cot 45 डिग्री की वैल्यू लिखी अपन ने cot 45 डिग्री की जगह 1 लिख दिया, तो ये क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का काम यही खत्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है अपन को सॉल्व, तो देखो वो सॉल्व कैसे करेंगे, ये वैल्यूज में मैं एक बार रब कर देता हूं। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन ये इतना बन गया, ये 2√3 है। ठीक है, अब अपन पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर का अपन लेते हैं एलसीएम, तो इधर तो देखो 2 1√3, तो एलसीएम क्या आएगा 2√3। ठीक है, इधर इंटू रूट थ्री होगा और ऊपर भी इंटू रूट थ्री हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा रूट थ्री, इधर हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या होगा 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√3, इधर √3 तो गिवन है तो इंटू क्या हो जाएगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा 2 -4। ठीक है, फिर एज इट इज ले लो ये लाइन की लाइन, फिर नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं अपन, नीचे भी एलसीएम क्या है 2√3, इधर रूट थ्री था तो अपन ने क्या किया इंटू 2 × 2, तो ये क्या आया 4 प्लस, इधर 2 तो गिवन है तो अपन क्या करेंगे √3 × √3 मल्टीप्लाई किया तो √3 आया, अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, इधर 2 × √3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे। ठीक है, तो इधर इधर क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब अपन को क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो देखो 2√3 + √3 क्या हो जाएगा 3√3 − 4/√3, फिर बड़ा वाला। ठीक है, 3√3 में से 2√3 गया तो −√3/√3। ठीक है, अब ये देखो
डिवाइड के अंदर है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा आगे मल्टीप्लाई के अंदर, ये तो एज इट इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई में, ये नीचे तो ये उल्टा हो जाएगा 2√3 4 माइनस 2√3 ये आ गया 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया और अपने पास क्या बचा 2√3 माइनस 4 और 4 माइनस रूट 3 तो ये अपना आंसर है। पर क्या कोई एक मैथमेटिशियन था उसने कहा कि भाई मेरे को तो नीचे वैल्यू पसंद ही नहीं है रूट के अंदर, तो अपन क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो अब क्या करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस रूट 3 और 4 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये a प्लस b a माइनस b तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मतलब 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 3√3 माइनस 4 और ये 4 प्लस रूट 3 ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर वाला तो एज इट इज ही आ गया 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस रूट 3, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 4 प्लस रूट 3 और 16 में से 3 गए तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो अपन को क्या वो वैल्यूज पुट करनी थी सॉल्व करनी थी, फिर अपन ने क्या किया लास्ट में रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करा और सॉल्व किया तो अपना आंसर आ गया।